ये रेसिपी महाराष्ट्र का मोस्ट फेमस जनजनित झुनका। सच्ची बता रहे बहुत टेस्टी। वैसे तो मैंने 3-4 मराठी मानुस को खिलाया, वो लोग बोले खूब चाना है, पर आप लोग कमेंट करो कैसे लगा। देखो सबसे पहले 2 चम्मच तेल, उसमें जाएगा आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच साबुत जीरा। जैसे ही पटाखा फूटेगा ना, उसमें डालने का हींग, थोड़ा बहुत कड़ी पत्ता, टुकड़ा टुकड़ा लहसुन, तीखे के लिए हरी मिर्च। अभी ये सबको अच्छे से आधा 1 मिनट सौते करने का। अभी 1 कप कांदा एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, देखो अभी कांदे को 6-7 मिनट तक अच्छे से भुनने का, हाँ पर जलाने का नहीं। अभी इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। कोई कोई तो गर्म मसाला भी डालता है, कांदे लहसुन मसाला भी डालते हैं, ये तो डालो नहीं तो चलेगा। पर देखो अभी इधर से गैस पूरा स्लो। अभी 1 कप बेसन इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालने का और इसको अच्छे से मिलाने का। अभी देखो वैसे तो इसमें गर्म पानी डालते हैं, पर अगर ठंडा पानी है तो ऐसे डालने का नहीं, चीटा मारने का। और अगर गर्म है तो ऐसे डालो, पर थोड़ा थोड़ा करके इसको डालने का और अच्छे से मिलाने का। और हाँ, बातों बातों में नमक भूलने का नहीं, डालने का बहुत जरूरी। अभी ये मिक्स हो गया, अभी ढक्कन लगा के इसको 6-7 मिनट तक धीमे आंच पे पकाने का। अयो फिर क्या, धनिया को छोड़ने का नहीं, फेंक के मारने का, मिलाने का, खाने का। ए धनिया, हाँ भैया, तेरे को भाकरी बनाने के लिए बोला था ना, बनाएगी नहीं? क्या फायदा।